नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 जुलाई, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का आंसर की जारी। मोटे अनाज और जूट उत्पादन को बढ़ावा देगी राज्य सरकार। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए करे आवेदन। अब ट्रेन के टिकट के साथ फ्री में मिलेंगी ये सुविधाएं। एशिया कप में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान, मेजबानी करेगा तीसरा देश। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में 32 नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती। बिहार में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के कुल 32 नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। मालूम हो कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञप्ति ग्रुप सी पदों के साथ साथ ग्रुप बी में प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट इंजीनियर, पर्सनल असिस्टेंट और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और ग्रुप के अंतर्गत इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और हिंदी ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में सबमिट कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को CUSB की आधिकारिक वेबसाइट CUSB.ac.in पर जाकर आवेदन करना होगा। इस भर्ती के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ग्रुप सी के अंतर्गत MTS पदों के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास, लाइब्रेरी और लैब अटेंडेंट के लिए 12वीं और LDC के लिए स्नातक होना चाहिए। वहीं लैब असिस्टेंट के लिए उम्मीदवारों को केमिस्ट्री या एग्रीकल्चर या फार्मेसी में स्नातक और कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इन सभी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष है। अन्य पदों के लिए जरूरी योग्यता मानदंड के लिए जारी किए गए अधिसूचना को जरूर देख लें। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का आंसर की जारी। अगर आप भी उन विद्यार्थियों में हैं जिन्होंने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 में शामिल हुए थे तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है कि दिनांक 5 जून 2023 से 15 जून 2023 तक ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हुई डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का आंसर की जारी कर दिया गया है। ऐसे में अगर इस जारी किए गए आंसर की में कोई त्रुटि पाई जाती है तो वेबसाइट http://biharboardonline.bihar.gov.in या http://secondary.biharboardonline.com पर जाकर 16 जुलाई 2023 के अपराह्न 5 बजे तक साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। बता दें कि आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही दर्ज किए जाएंगे। वहीं निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुनील छैला बिहारी के बारे में। सुनील छैला बिहारी एक लोक गायक और अभिनेता है जो भोजपुरी और मैथिली गीतों में गाते हैं। वह एक लोकप्रिय पार्श्व गायक और लाइव कलाकार है। सुनील छैला जी अपने गायकी से लोगों के दिलों पर राज करते हैं। वह व्यंग्यात्मक भोजपुरी गीतों के लिए भी जाने जाते हैं। सुनील छैला बिहारी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर गायक की थी। बाद में उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में बतौर मुख्य अभिनेता के तौर पर भी काम किया और खूब नाम भी कमाया। छैला बिहारी ने भोजपुरी पार्श्व गायकी में एक अलग ही मुकाम हासिल की है। छैला बिहारी अपने फिल्मों में स्वयं ही गाते हैं। छैला बिहारी लोकगीत, भक्ति गीत, होली गीत, सभी तरह के गीत गाए हैं। वह भोजपुरी फिल्म जगत के सुपरस्टार हैं। मोटे अनाज और जूट उत्पादन को बढ़ावा देगी राज्य सरकार। बारिश की कमी होने के कारण अधिकांश किसानों के खेत में बिचड़ा देरी से डाला गया है, जिस वजह से धान की उत्पादकता इस बार प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे में बिहार सरकार की ओर से राज्य में मोटे अनाज और जूट की खेती को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है और 16 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसके तहत राज्य सरकार की ओर से मोटे अनाज के लिए और जूट के बीज के लिए 80% तक अनुदान देने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही जूट विकास के लिए उन्नत बीज वितरण के साथ पक्का सुरण टैंक बनाने में भी मदद की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की ओर से जूट विकास के लिए कोसी और सीमांचल के साथ जिन जिलों का चिन्हित किया गया है उसमें अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा शामिल है। वहीं मोटे अनाज की खेती के लिए जिन जिलों को चिन्हित किया गया है उनमें बिहार की राजधानी पटना समेत नालंदा, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास, गया, बक्सर, जहानाबाद, अरवल, नवादा, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई और बांका शामिल है। वहीं रागी, कंगानी, चीना, सावा तथा कोदो जैसे फसल की खेती के लिए मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, बेगूसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया, किशनगंज तथा कटिहार को चुना गया है। राज्य के नदियों का होगा अध्ययन और सर्वे।
बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग की ओर से प्रदेश के नदियों की गणना करने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस गणना के करने से न केवल एक एक नदी की गणना की जाएगी बल्कि नदियों के बारे में पूरी जानकारी भी प्राप्त हो पाएगी। मालूम हो कि नदी गणना से बिहार की सबसे छोटी बड़ी व मृत या मृत प्राय नदियों की पूरी विवरणी तैयार की जाएगी। बता दें कि यह सर्वे 31 बिंदुओं पर तैयार किया जाएगा जिसमें राज्य के सभी नदियों के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध होगी, जैसे कि नदियों का प्रवेश, नदियों की निकासी, किस पंचायत या प्रखंड से होकर गुजरती है, किस जिले से होकर गुजरती है, किस नदी से कौन सी नदी मिलती है, इस तरह की सभी जानकारी उपलब्ध होगी। मालूम होगी विभाग की ओर से इस काम को लेकर कार्यपालक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता तक के अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेवारी सौंपी गई है और हर स्तर पर मॉनिटरिंग करने को निर्देश दिया गया है। अब ट्रेन के टिकट के साथ फ्री में मिलेंगी ये सुविधाएं। अगर आप भी उन लोगों में हैं जो आमतौर पर ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। बता दें कि ट्रेन के टिकट पर आपको कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। वहीं मिलने वाली ये सभी सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त यानी कि फ्री होती है, लेकिन इसके बारे में कई यात्रियों को जानकारी नहीं होती। मालूम हो कि ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को फ्री में मेडिकल की सुविधा मिलती है। इसके लिए आपको सिर्फ TTE से संपर्क करना होगा। वहीं अगर आपकी ट्रेन लेट होती है तो आप दिन के समय में ट्रेन आने के 2 घंटे पहले और यात्रा खत्म करने के 2 घंटे बाद फ्री में वेटिंग रूम का सुविधा उठा सकते हैं। वहीं रात के समय में इसका समय 6 घंटा होता है। इसके अलावा यात्री प्लेटफॉर्म पर आधे घंटे तक फ्री में वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आप अपने सामान को रखने के लिए क्लॉक रूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए आपको कुछ पैसे चुकाने होंगे। बिहार में अतिथि शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बहुत जल्दी बिहार में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा अब राज्य में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए विभाग की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है और साथ ही शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक बीते दिन यानी कि 12 जुलाई से 14 जुलाई तक विषयवार खाली पदों की जानकारी दी जाएगी, तो वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 20 जुलाई तक घोषित की गई है। इसके बाद 21 जुलाई को मेधा सूची तैयार कर 22 जुलाई को मेधा सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद मेधा सूची पर आपत्ति 24 जुलाई को की जाएगी और फिर 25 जुलाई को आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। बता दें कि मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन 26 जुलाई 2023 को किया जाएगा और फिर उसके आधार पर चयनित अभ्यर्थियों से 27 और 28 जुलाई को विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जिसके बाद विकल्प के आलोक में 29 जुलाई को जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया जाएगा। इसके बाद 30 और 31 जुलाई को शिक्षकों की नियुक्ति 6 विषयों के लिए होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में 3000 से अधिक अतिथि शिक्षकों की बहाली होने वाली है। बिहार में चाय उत्पादन पर जोर। बिहार में चाय की खेती करने वाले किसानों की आय को बढ़ाया जा सके, इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा चाय उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है और साथ ही इस पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा। बता दें कि इसके लिए बिजली का अलग से फीडर लगाने का भी व्यवस्था किया गया है। वहीं टी क्लस्टर बनाकर खेती की जाने पर रणनीति भी बनाई जा रही है। मालूम हो कि इसको लेकर टी बोर्ड ऑफ इंडिया में बिहार प्रतिनिधि के प्रतिनिधित्व को शामिल किया जा सके, इसके लिए केंद्र सरकार से भी बात की जाएगी। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने आगे कहा कि डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज एवं टी रिसर्च एसोसिएशन पश्चिम बंगाल को आपसी समन्वय कर एडवांस सेंटर फॉर टी स्थापित करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में टी बोर्ड ऑफ इंडिया में बिहार को कोई प्रतिनिधि नहीं है। बिहार के प्रतिनिधित्व को टी बोर्ड ऑफ इंडिया में शामिल करने के लिए टी बोर्ड ऑफ इंडिया के अफसरों से की जाएगी। बैंक के प्रतिनिधियों को कहा गया है कि चाय की खेती करने वाले किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने डॉक्टर कलाम कृषि विश्वविद्यालय किशनगंज को बिहार की चाय को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राज्य स्तर पर टी कंक्लेव का आयोजन करने का निर्देश दिया है। नालंदा को केंद्र सरकार द्वारा भूमि सम्मान। बिहार के नालंदा जिला को भूमि सम्मान के प्लैटिनम पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ऐसे में अब 18 जुलाई को जिलाधिकारी शशांक शुभंकर के द्वारा राष्ट्रपति के कर कमलों से प्लैटिनम पुरस्कार ग्रहण किया जाएगा। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी के साथ अपर समाहर्ता और भूमि सुधार उप समाहर्ता राजगीर भी मौजूद रहने वाले हैं। बता दें कि नालंदा का चयन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन भी संपदा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम DILRMP के सफल क्रियान्वयन हेतु किया गया है। मालूम हो कि नालंदा जिला के भूमि रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से डिजिटाइज कर दिया गया है, जिससे कि लोगों को घर बैठे ही सभी प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। इससे भूमि विवाद को भी कम करने में सफलता मिलेगी। विदेशी शराब लदा एक ट्रक तथा एक स्कॉर्पियो के साथ 3 व्यक्ति गिरफ्तार। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से जी तोड़ कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कुछ कमी देखने को नहीं मिल रही। हमें प्रतिदिन अवैध शराब तस्करी से जुड़े 1-2 मामले सुनने को मिल ही जाते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के सारण का है, जहां मद्य निषेध विभाग की सारण टीम द्वारा मांझी चेकपोस्ट पर विदेशी शराब लदा एक ट्रक तथा एक स्कॉर्पियो के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अब तक इस बारे में जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि कितने शराब बरामद किए गए हैं।
बिहार के इन जिलों में बारिश के आसार। बिहार में मौसम विभाग बारिश को लेकर अलर्ट जारी जरूर कर रहा है, लेकिन अब भी राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां लोगों को भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। बता दें कि विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 16 जिलों में सामान्य से काफी कम बारिश दर्ज की गई है, जबकि 8 जिलों में सामान्य से कम और 2 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। वहीं किशनगंज, अररिया और सुपौल जिलों में एक दो स्थानों में अति भारी बारिश की संभावना है। जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गोपालगंज, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया और पश्चिम चंपारण जिलों में एक दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों को इस दौरान ज्यादा सावधान रहने को कहा है, क्योंकि इस दौरान तेज बारिश और उमस जैसे हालात रहने की बात कही है। सिनेमाघरों में खाने के सामान खरीदने में सरकार ने कम की जीएसटी दरें। अक्सर अगर आप सिनेमाघरों में कोई फिल्म देखने जाते हैं और अगर उस दौरान हम वहां बिकने वाले के सिखाने वाले चीजों को खरीदते हैं तो हमें उसके दाम बाहर की तुलना में काफी अधिक लगते हैं। लोग इसको लेकर कई शिकायतें भी करते हैं। ऐसे में अब इन शिकायतों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली में विज्ञान भवन मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में सिनेमाघरों में मिलने वाले सामानों की जीएसटी में बदलाव कर दिया गया है। बता दें इस बात की जानकारी राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में लगाए गए मुहर के बाद अब सिनेमाघरों में मिलने वाले फूड एंड बेवरेज पर जीएसटी 18% के बदले केवल 5% लगेंगे। मालूम हो कि इस बैठक में कुल 4 आइटम पर जीएसटी में कटौती की गई है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए करे आवेदन। आईपीआरडी बिहार के द्वारा ट्वीट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार के 7 निश्चय में से एक महत्वपूर्ण निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार की तलाश में सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत 1,000 रुपए प्रतिमाह की दर से 2 वर्षों तक के लिए भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि इस योजना के तहत राज्य के 12वीं कक्षा बेरोजगार युवाओं को रोजगार तलाशने के दौरान प्रतिमाह 1,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। हालांकि इस योजना का लाभ उठाने वाला इच्छुक आवेदक को किसी भी प्रकार का भत्ता, छात्रवृत्ति, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, शिक्षा ऋण प्राप्त न हो। इसके साथ ही जिस जिले के जिला निबंधन केंद्र में आवेदक आवेदन जमा कर रहा है वो उस जिले का स्थायी निवासी हो और साथ ही आवेदक के पास रोजगार न हो। इच्छुक व्यक्ति आवेदन करने के लिए https://7nishchay-yuva-up-mission.bihar.gov.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली HC ने सुशांत पर बनी फिल्म पर रोक लगाने से किया इनकार। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सी हरिशंकर के द्वारा बिहार के लाल और बॉलीवुड अभिनेता दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर आधारित फिल्म पर रोक लगाने के मामले को लेकर अभिनेता के पिता कृष्ण किशोर सिंह के आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय लिया गया कि उनके फिल्म पर रोक नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि अभिनेता की मौत से उनके व्यक्तित्व और निजता के अधिकार खत्म हो गए हैं। फिल्म के लिए जो जानकारियां जुटाई गई हैं वो पहले से ही सार्वजनिक थी। दरअसल कृष्ण किशोर सिंह के द्वारा यह दावा किया गया था कि फिल्म में महाहानिकारक बयान और समाचार लेख शामिल है जो सुशांत सिंह राजपूत से व्यक्तित्व का उल्लंघन करता है, लेकिन कोर्ट के द्वारा कृष्ण किशोर सिंह के आवेदन को खारिज कर दिया गया और फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की जीवनी पर जिस फिल्म का निर्माण किया गया था उसका नाम न्याय द जस्टिस था, जिसे वर्ष 2021 में जून महीने में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया था। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे शेरगढ़ किला के बारे में। दुनिया में ऐसे कई किले हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक किला बिहार के रोहतास जिले में स्थित है, जिसे शेरगढ़ का किला कहा जाता है। कैमूर की पहाड़ियों पर मौजूद इस किले की बनावट दूसरे किलों से बिल्कुल अलग है। यह किला इस तरह से बनाया गया है कि बाहर से यह किला किसी को भी नहीं दिखता। किला 3 तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है, जबकि इसके एक तरफ दुर्गावती नदी है। इस किले में सैकड़ों सुरंगे और तहखाने हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि सुरंगे कहां खुलती हैं इसके बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं चला। किले के अंदर जाने के लिए एक सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि आपको कुछ समय के लिए इतिहास में होने का अनुभव कराता है। कहते हैं कि अगर इन सुरंगों को बंद कर दिया जाए तो किला किसी को दिखाई भी नहीं देगा। कहते हैं कि इस किले को शेरशाह सूरी ने अपने दुश्मनों से बचने के लिए बनवाया था। इस किले को इस तरह बनवाया गया है कि हर दिशा में अगर दुश्मन कोसों दूर भी रहे तो उसे आते हुए साफ साफ देखा जा सकता है। वो अपने परिवार और सैनिकों के साथ यहीं पर रहते थे। बताया जाता है कि यह किला सन 1540 से 1545 के बीच बना है। कहते हैं कि यहां बने इन सुरंगों का राज सिर्फ शेरशाह सूरी और उनके भरोसेमंद सैनिकों को ही पता था। इस किले से एक सुरंग रोहतासगढ़ किले तक जाती है, लेकिन बाकी सुरंगें कहां जाती हैं ये किसी को नहीं पता। यह किला अतीत के पन्नों में सर्वश्रेष्ठ हुआ करता था। प्राचीन इमारतों से प्रेम रखने वाले को यहां एक बार जरूर आना चाहिए। बिहार बीजेपी का आज पटना में शक्ति प्रदर्शन।
आज यानी कि 13 जुलाई को बीजेपी की ओर से बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता का बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में जुटान होने वाला है। बता दें कि इस बात की जानकारी बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि आज गांधी मैदान में आम लोग भी जुड़ेंगे। आज हमारे द्वारा किए जाने वाले शक्ति प्रदर्शन के तहत विधानसभा का घेराव किया जाएगा और आने वाले दिनों में बीजेपी गांधी मैदान में बड़ी सभा आयोजित करेगी जिसमें सूबे भर के लोग शामिल होंगे। वहीं रेणु देवी के द्वारा आम लोगों से अपील करते हुए कहा गया कि भारी संख्या में गांधी मैदान में लोग पहुंचे और सरकार के खिलाफ आंदोलन में हमारे साथ शामिल हों। राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह पर बैठी कांग्रेस। मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ हाई कोर्ट के द्वारा सुनवाई करते हुए सजा को बरकरार रखने के मामले में बीते दिन बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के सामने कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता के द्वारा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मौन सत्याग्रह का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ षड्यंत्र के तहत मोदी सरनेम को लेकर जिस प्रकार से उनके खिलाफ कूचक्र रचा गया वो पूरी तरीके से राजनीतिक विद्वेष से जनित है। आगे उन्होंने बताया कि अदानी के खिलाफ संसद में लगातार हमलावर रहे राहुल गांधी को निशाने पर लेकर मोदी सरकार षड्यंत्र के तहत उन्हें कानूनी पचड़ों में फंसाई है। अब यह कोशिश हो रही है कि उन्हें चुनाव लड़ने से भी रोका जाए। इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इस मामले पर केंद्र सरकार को घेरेगी। अपने सरकार के खिलाफ ही वाम दलों ने किया प्रदर्शन। बीते दिन बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन वाम दलों के द्वारा अपनी ही सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान भाकपा माले विधायक सुदामा प्रसाद के द्वारा कहा गया कि सरकार गरीबों का घर उजाड़ रही है, बिना आवाज दिए ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं और आज ध्यानाकर्षण में इस मामले को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार गरीब के बारे में नहीं सोचेगी तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं मनोज मंजल के द्वारा कहा गया कि केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन योजना लागू करनी होगी और गरीबों को मुफ्त आवास देना होगा। जब तक केंद्र सरकार अपने इस योजना को लेकर कह नहीं देती है तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं कि बिहार में उन गरीबों की आवाज को तब तक न उजाड़ा जाए जब तक उनके लिए नए आवास की व्यवस्था न हो जाए। विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में 16 के बदले 24 पार्टियां होंगी शामिल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एक करने की कोशिश में बीते 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक आयोजित की गई थी। वहीं अब इसकी दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली है जो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बता दें कि पहले इस बैठक को लेकर ऐसी खबर चल रही थी कि इस बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती हैं। वहीं अब यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस बैठक में 24 पार्टियां शामिल होंगे। मालूम हो कि पटना में हुई बैठक में कुल 16 पार्टियां शामिल हुई थी। ऐसे में इस दूसरी बैठक में जिन 8 नई पार्टियों को शामिल किया गया है उनमें एमडीएमके, केडीएमके, वीसीके, आरएसपी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, आईयूएमएल केरल कांग्रेस, जोसेफ केरल कांग्रेस, मनी के नाम शामिल हैं। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा दूसरी विपक्षी बैठक में शामिल होने के लिए सभी शीर्ष विपक्षी नेताओं को पत्र जारी कर आमंत्रण दे दिया गया है। एशिया कप में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान, मेजबानी करेगा तीसरा देश। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा जिसकी मेजबानी न तो भारत और न ही पाकिस्तान के द्वारा की जाएगी बल्कि श्रीलंका के द्वारा की जाएगी। बता दें कि पीसीबी 31 अगस्त से 17 सितंबर तक होने वाले एशिया कप का मेजबान है जो पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान में लीग चरण के 4 मैच होंगे जिसके बाद 9 मैच श्रीलंका में होंगे। इसमें भारत और पाकिस्तान का मैच शामिल है। दोनों टीमें फाइनल खेलती हैं तो वह भी श्रीलंका में होगा। भारतीय टीम श्रीलंका के दाम्बुला में पाकिस्तान से खेल सकती है। पाकिस्तान का अपना धरती पर एकमात्र घरेलू मैच नेपाल के खिलाफ होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बार के एशिया कप में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों के बीच मुकाबला होगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। राजा राम मोहन राय और अलेक्जेंडर डफ ने 1803 में 5 छात्रों के साथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज शुरू किया। बांग्ला साप्ताहिक संजीवनी द्वारा 1905 में पहली बार ब्रिटिश सामानों की होली जलाने का सुझाव दिया गया। कलकत्ता के साप्ताहिक समाचार पत्र संजीवनी ने 1905 में ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का सर्वप्रथम सुझाव दिया था। जतेंद्र नाथ दास ने 1929 में ऐतिहासिक भूख हड़ताल की शुरुआत की। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1945 को पारित हुआ। हेडिंग्ले में भारत ने 1974 में अपना पहला वनडे मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला। आपातकाल के दौरान 1977 में भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि जैसे लोक सम्मान वापस लिए गए। उद्योगपति तुलसी प्रसाद खेतान का जन्म 1913 में हुआ था। हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री बीना राय का जन्म 1932 में हुआ था। 8वीं लोकसभा की सदस्य टी कल्पना देवी का जन्म 1941 में हुआ था। हिंदी और अंग्रेजी की आधुनिक कहानीकार और उपन्यासकार सुनीता जैन का जन्म 1941 में हुआ था। उपन्यासकार आशा पूर्णा देवी का निधन 1995 में हुआ था।
वेलकम। आज हम बात करेंगे फलकनुमा एक्सप्रेस के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे फलकनुमा एक्सप्रेस के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा था कि सेना और पुलिस के जवानों ने ट्रेन नंबर 12703 फलकनुमा एक्सप्रेस को धक्का लगाकर स्टार्ट कर दिया। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा भ्रामक है। यह घटना ट्रेन में आग लगने की है जिसे गलत तरीके से प्रसारित किया जा रहा है। घटना के मद्देनजर ट्रेन के अन्य डिब्बों को अलग कर आग से बचाने के लिए तत्काल एक अलग इंजन का प्रबंध किया गया था, पर वहां मौजूद पुलिस व रेल मैन इंडिया कर्मियों ने इंजन के आने का इंतजार न करते हुए अपने प्रयासों से बाकी डिब्बों को अलग किया जिससे एक बड़ी दुर्घटना को रोक दिया गया। व्हाट्सएप यूजर्स की प्राइवेसी के लिए आया नया फीचर। व्हाट्सएप के लिए मीटा आए दिन नए फीचर्स पेश करते रहता है। अब कंपनी ने यूजर्स की प्राइवेसी को देखते हुए इसमें एक एडिशन किया है। यह प्राइवेसी फीचर एंड्रॉइड और आईओएस के बीटा यूजर्स के लिए पेश किया गया है। यह फीचर ग्रुप में से नंबर हाइड कर देता है। इससे यूजर व्हाट्सएप कम्युनिटी और ग्रुप में अपने नंबर को हाइड कर सकते हैं। व्हाट्सएप के इस नए फीचर से कम्युनिटी से जुड़ते हुए नंबर को हाइड किया जा सकता है। फिलहाल कम्युनिटी अनाउंसमेंट ग्रुप में कम्युनिटी मेंबर्स की लिस्ट पहले से ही हाइड है। हालांकि अब यूजर्स किसी मैसेज पर रिएक्शन देता है तो उसका नंबर सामने आ जाता है। व्हाट्सएप का यह प्राइवेसी फीचर फिलहाल बीटा यूजर्स के लिए है जिसे लेकर WA बीटा इन्फो ने जानकारी शेयर की है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप का यह फीचर एंड्रॉइड के बीटा वर्जन 2.23.14.19 और iOS के बीटा वर्जन 2.3.14.0.70 के लिए पेश किया गया है। हालांकि यह फीचर ग्रुप एडमिन के लिए काम नहीं करेगा। इस फीचर के तहत ग्रुप एडमिन का नंबर हाइड नहीं किया जा सकेगा। यमुना का जलस्तर 207.66 मीटर के पार, टूटा रिकॉर्ड। दिल्ली में मॉनसून के दस्तक के बाद लगातार हो रही बारिश से यमुना का जलस्तर में बढ़ोतरी होती जा रही है जिससे कि दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। मालूम हो कि कई इलाकों के सड़के तालाब बन गए हैं। वहीं अब हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा। बता दें कि यमुना ने 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक यमुना का जल स्तर बीते दिन शाम 4 बजे तक 207.71 मीटर पर पहुंच गया है जिसको देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली में निचले इलाकों को खाली करा दिया गया है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से NDRF की 12 टीमों को भी तैनात किया गया है। वहीं दिल्ली में बाढ़ की संभावित स्थिति को देखते हुए CM अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा गया कि दिल्ली में पिछले 2 दिनों से बारिश नहीं हुई है। हालांकि हथनी कुंड बैराज में हरियाणा द्वारा असामान्य रूप से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का स्तर बढ़ रहा है। केंद्र से हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करें कि यमुना का स्तर और न बढ़े। एप्पल के साथ टाटा ग्रुप्स की हो सकती है डील। अभी हाल में ही टाटा ग्रुप्स की तरफ से एक बड़ी खबर सामने आई है जहां यह जानकारी मिली है कि टाटा ग्रुप की साझेदारी एप्पल के साथ होगी। बता दें कि ब्लूमबर्ग की आई एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2023 में इस डील को मंजूरी मिल सकती है। यदि डील फाइनल हो जाती है तो एप्पल पहली ऐसी कंपनी होगी जिसे आईफोन बनाने की डील मिल रही है। कर्नाटक के साउथ ईस्ट में मौजूद टाटा समूह विस्ट्रॉन फैक्ट्री के अधिग्रहण की डील को मंजूरी दी जा सकती है। लगभग $600 मिलियन इसका वैल्यूएशन है। हालांकि इस डील को लेकर बीते एक साल से बातचीत चल रही थी। टाटा ने वादा किया है कि अगर डील फाइनल हो जाती है तो वो अगले साल तक फैक्ट्री के वर्कफोर्स को 3 गुना बढ़ाएंगे। ऐसे में बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा होंगी। साथ ही भारत से स्मार्टफोन के निर्यात में तेजी आएगी। वहीं आईफोन के निर्माण में लागत कम आएगी। ऐसे में आने वाले दिनों में आईफोन की कीमत में कमी आ सकती है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया कृपया करके हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, किस राज्य में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दूसरा सवाल, 1 जुलाई 2023 को भारतीय स्टेट बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए 67वां, ऑप्शन बी 68वां, ऑप्शन सी 69वां, ऑप्शन डी 66वां। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 68वां है। हमारा तीसरा सवाल, भारत में स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का कमर्शियल ऑपरेशन किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। चौथा सवाल,
त्रिवेणी नहर किस नदी पर बनी है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी कमला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गंडक। हमारा पांचवा सवाल, बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे? ऑप्शन ए सिंह बोंगा, ऑप्शन बी धरती आबा, ऑप्शन सी मागो मन की, ऑप्शन डी वीर सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धरती आबा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विकास दास, राजीव कुमार, उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, नन्नू गोलू कुमार, नंद कुमार सिंह, सिद्धेश्वर प्रसाद शर्मा, सरदानंद झा, पंकज कुमार दास, मोटू रंगीला, ओम प्रकाश, अंकुल कुमार, सदुल्लाह पलवी, मृत्युंजय कुमार, अतीक खान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार का सबसे मशहूर गायक कौन है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।